एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 12th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी टू गाइड द सेमीकंडक्टर मिशन? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने फॉर्म की है 17 मेंबर की एक एडवाइजरी कमिटी। किस लिए? टू गाइड द 76,000 करोड़ रुपीज सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, इस मिशन को बेसिकली गाइड करने के लिए। तो हमारे मिनिस्टर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनको बनाया गया है चेयरपर्सन इस कमेटी का। साथ ही साथ नीति आयोग के मेंबर वी के सरस्वत और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, सेक्रेटरीज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये लोग भी इसमें मेंबर्स के तौर पे इस कमेटी में रहने वाले हैं। ठीक है, ये तो यूजुअली नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा अगर तो चेयरपर्सन से क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव इसके चेयरपर्सन हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे हम। हु वॉज अपॉइंटेड एज टाटा स्टील्स एडिशनल डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन? ये हैं नोएल नवल टाटा। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशंस कमिटमेंट ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज? तो ये कौन से इंडियन हैं जिनको कि यूनाइटेड नेशंस के हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप में ऐड किया गया है? आंसर है अरुणाभा घोष। हु वॉज री अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ टाटा कॉफी फॉर 3 ईयर्स? तो ऑलरेडी MD थे टाटा कॉफी के चैको पुरकल। ठीक है, और हाल ही में इनका टर्म अब बढ़ा के 3 साल के लिए कर दिया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज वहदाम इंडियाज चीफ HRO? आंसर है मिस्टर कल्पेश तिवारी। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस? तो इसके नए CEO बन गए हैं मिस्टर प्रशांत झावेरी। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं N चंद्रशेखरन। ओके, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज सॉफ्ट बैंक्स मैनेजिंग पार्टनर? आंसर है मुनीश वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू इंक्लूड ई साइकिल्स इन इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? तो कौन सी ऐसी पहली स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने कि ई साइकिल का प्रावधान अपनी EV पॉलिसी में ऐड किया है? तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक साइकिल्स को इंक्लूड किया है अंडर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, और इन्होंने अनाउंस किया है कि ये सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे 5,500 रुपीज की फर्स्ट 10,000 बायर्स को। ठीक है, तो इसमें पैसेंजर और कार्गो ई साइकिल्स दोनों ही आ जाते हैं और स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से कम होगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट 10,000 बायर्स हैं इनको 25% परचेज इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा अगर ये ई साइकिल को परचेज करते हैं तो। राइट, तो याद रखिएगा आंसर है न्यू दिल्ली। अब कुछ पॉलिसी देखते हैं डिफरेंट स्टेट या कंट्रीज की। व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल 2022? तो एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को अनचेंज करते हुए 4% पे डिसाइड किया है फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव टर्म। मतलब ये 11वीं बार लगातार है जब RBI ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। ठीक है, इसी के साथ जो रिवर्स रेपो रेट है उसको भी अनचेंज किया गया है, वो भी सेम है 3.35%। और MSF की बात करें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट, ये दोनों भी अनचेंज हैं एट 4.25%।
परसेंट ठीक है. विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ पैनल टू फ्रेम द स्टेट एजुकेशन पॉलिसी. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करेंगे. इसके लिए इन्होंने 13 मेंबर का एक पैनल क्रिएट किया है जिसको हेड करेंगे रिटायर्ड दिल्ली के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डी मुरुगेसन. ठीक है. विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी. आंसर है कर्नाटका. और एम क्या है, अगले 5 सालों में स्टेट 10 गीगावाट तक का रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी अक्वायर करेगा. साथ ही 2027 तक इसका शेयर 1 गीगावाट ऑफ एनर्जी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रूफ टॉप सोलर अलोन. ठीक है, मतलब रूफ टॉप सोलर से अकेले मात्र 1 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी. साथ ही साथ इनका एक और टारगेट है कि अपने आप को हब बनाना चाहते हैं जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ठीक है. हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू लीड द ट्विटर्स पब्लिक पॉलिसी एंड फिलंथ्रॉपिक इनिशिएटिव्स इन इंडिया एंड इन साउथ एशिया. आंसर है सामिरान गुप्ता. विच इंस्टीट्यूशन हैज़ इनॉग्रेटेड अक्वा मैप वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर. आंसर हो जाएगा IIT मद्रास. ठीक है, याद रखिएगा ये क्यों किया गया है, टू एड्रेस इंडिया के वाटर इश्यूज. विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी. कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है इससे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. ठीक है, और बेसिकली 6 पिलर्स होते हैं आर्कटिक पॉलिसी के. कौन से हैं एक बार क्विकली देख लेते हैं. फर्स्ट है इसमें साइंस एंड रिसर्च, सेकेंड है इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, थर्ड है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, फिर फिफ्थ है गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और सिक्स्थ है नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, तो ये 6 पिलर्स होते हैं आर्कटिक पॉलिसी के. और कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है इससे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है ये विच हैज़ बीन रिसेंटली फाउंड इज अ नियर आइडेंटिकल ट्विन ऑफ विच पर्टिकुलर प्लैनेट. तो एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में फाउंड किया है एक नियर आइडेंटिकल ट्विन जुपिटर का जो कि सिमिलर डिस्टेंस पे है सन से. ठीक है, और इसका नाम ये दिया गया है. अर्थ से बात करें तो ये 17,000 लाइट ईयर्स दूर है हमसे, और इसको डिटेक्ट किया है एक टीम ने एस्ट्रोफिजिक्स की यूजिंग नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप. ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने अल्बर्ट आइंस्टीन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ किया. साथ ही एक मेथड होता है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग, किसी ऑब्जेक्ट को स्पॉट करने के लिए उस मेथड का यूज़ किया गया. ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि ये ट्विन किस प्लैनेट का है, जुपिटर का. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे स्पेस से रिलेटेड. विच कंट्री हैज़ डिवाइस्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स. तो इसके लिए एक आर्टिफिशियल बेस्ड एल्गोरिथम डेवलप किया है इंडिया ने. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द कनेक्टिंग द डॉट्स प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्लानिटरी इमरजेंसी रिपोर्ट. ये रिपोर्ट किसकी है, इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की. विच कंट्री प्रपोज्ड P3 मतलब प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डावोस एजेंडा 2022. इसको प्रपोज किया है इंडिया ने, और P3 का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, प्रो प्लैनेट एंड पीपल. ALH84001 मीटोराइट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली लैंडेड ऑन द अर्थ फ्रॉम विच प्लैनेट. हाल ही में ये मीटोराइट अर्थ पे लैंड किया है, कहाँ से आया था, मार्स से. ट्रेस गैस ऑर्बिटर वॉज लॉन्च्ड टू एनालाइज द एटमोसफियर ऑफ विच प्लैनेट. इसको लॉन्च किया गया है ताकि मार्स के प्लैनेट को एनालाइज किया जा सके. गैनेमेड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द मून ऑफ विच पर्टिकुलर प्लैनेट. गैनेमेड याद रखिएगा लार्जेस्ट मून है जुपिटर का. जजेरो क्रैटर इज अ पार्ट ऑफ विच प्लैनेट. जजेरो क्रैटर पार्ट है मार्स का. ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल. तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का. और अभी प्रॉब्लम क्या है, कंट्री फेस कर रही है पाम ऑयल क्राइसिस को. किस लिए, ड्यू टू रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. ठीक है, तो इंडोनेशिया अपने एक्सपोर्टर्स को अब कहती है कि 30% जो आप पाम ऑयल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको डोमेस्टिक यूज़ के लिए रख लीजिए, जबकि पिछले साल ये कितना था, 20%. ठीक है, तो जो प्राइस स्पाइक हो रही है फूड और एनर्जी में,
जो कि यूक्रेन वॉर से कॉज हो रही है, उसकी वजह से 40 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पावर्टी पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बायर है एडिबल ऑयल के मामले में, वो इंडोनेशिया पे टोटली रिलाई करता था फॉर हाफ ऑफ इट्स पाम ऑयल इम्पोर्ट, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। दिस माइलस्टोन हैज़ बीन अचीव बाय इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इन द ईयर 2021-22। तो हाल ही में हमने $50 बिलियन का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर लिया है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, इसको प्रिपेयर करती है नीति आयोग, और ये बताता है कि कौन सा स्टेट कितना तैयार है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें टॉप किया था गुजरात ने, सेकेंड था महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका। विच वन डिजीज ऑफ वीट कॉजेज अ रेस्ट्रिक्शन इन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया, इस बीमारी का नाम है करनाल बंट। ठीक है, ये एक तरह की फंगल डिजीज होती है जो कि वीट को खराब कर देती है। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग कारपेट टू जर्मनी, तो कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने GI टैग कारपेट को अपने एक्सपोर्ट किया है जर्मनी को? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। वॉट इज द इंडियाज पोजिशन इन द वर्ल्ड एज अ मिलेट एक्सपोर्टर, तो मिलेट एक्सपोर्टर के टर्म्स में हम 5th रैंक पे आते हैं। और कौन से 3 इम्पोर्टर्स हैं हमारे मिलेट्स के? सबसे ज़्यादा मिलेट इम्पोर्ट करती है हमसे नेपाल, फिर सेकेंड पे है UAE और थर्ड पे है सऊदी अरेबिया। विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम्स अमंग ऑल फ्रेश फ्रूट कैटेगरी फ्रॉम इंडिया? आंसर है फ्रेश ग्रेप्स। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडियाज टॉप पोमैग्रेनेट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, तो ये हमारी नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश। वॉट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर स्पाइसेस एक्सपोर्ट, इसका नाम क्या रखा गया है? स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन रफ्तार विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन, तो मिशन रफ्तार जो कि इंट्रोड्यूस किया था इंडियन रेलवेज ने 2016 और 17 में, और किस वजह से किया था? ताकि जो एवरेज स्पीड है मेल और एक्सप्रेस की उसको मेंटेन किया जाए 50 किलोमीटर्स पर आवर पे, और जो फ्राइट ट्रेन्स होती हैं हमारी उनके लिए एवरेज स्पीड मानी गई थी 75 किलोमीटर्स पर आवर। ये हम 2021 से 22 तक अचीव करने की कोशिश करते हैं, ये टारगेट था। और हाल ही में एक ऑडिट के दौरान कैग ने ये पाया, कैग मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने ये पाया कि जो ट्रेवल टाइम है ट्रेन्स का वो इंक्रीज़ कर गया है पिछले कुछ सालों में, साथ ही जो ओवरऑल पंक्चुअलिटी है ट्रेन्स की वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है। ठीक है, तो जो पंक्चुअलिटी है मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स की ओवर इंडियन रेलवेज वो डिक्लाइन कर गई है फ्रॉम 79% 2012-13 में टू 69.23% फ्रॉम 2018-19 में। ठीक है, तो सिंपली रिपोर्ट आई थी, याद रखिएगा बस मिशन रफ्तार किसका है? इंडियन रेलवेज का। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिशन देखते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी टू गाइड द सेमी कंडक्टर मिशन, ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा है। हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के, अश्विनी वैष्णव। मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच इंडियन स्टेट, ये मिशन है गुजरात स्टेट का। मिशन इंटीग्रेटेड बाई रिफाइनरीज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फास्टर, और फास्टर का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलाबरेटेड विथ नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन टू होस्ट द अटल इनोवेशन मिशन्स फ्लैगशिप प्रोग्राम, आंसर हो जाएगा किड एक्स। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड द फर्स्ट वुमेन टू लीड द सेबी, तो फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने सेबी को लीड किया है? ये बीच में बहुत न्यूज़ में थी, आंसर है माधवी पूरी बूच। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिएगा, शी ऑटो स्टैंड्स ये इनिशिएटिव है किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, किस लिए किया है? फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स देयर। उसके अलावा फाल्गुनी नायर हैं नायका से, इन्होंने हाल ही में टॉप किया है ह्यूरॉन रिचेस्ट बिलियनेयर सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा, जो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुई है अभी हाल ही में, इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने किस कंट्री को हरा के ये वर्ल्ड कप जीता है? अपने जवाब आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Ministry of Youth Affairs and Sport released $72,124 to which institution for elimination of doping in the sport? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने रिलीज किया है इतना अमाउंट टू द यूनेस्को ताकि डोपिंग को एलिमिनेट किया जा सके स्पोर्ट से. ठीक है, तो पहली बार 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया $28,172 का टूवर्ड्स द यूनेस्को फंड. और याद रखिएगा, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट एग्री किया था हमारी गवर्नमेंट ने 2003 में. ठीक है, इसके अलावा इंडिया सिग्नेटरी है यूनेस्को के एंटी डोपिंग कन्वेंशन का. फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक और करंट अफेयर्स देखेंगे रिगार्डिंग यूनेस्को. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकेम फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टैग? तो ये कौन सी ऐसी पहली सिटी है? आंसर है अहमदाबाद. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन म्यूजिक? तो म्यूजिक में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए किस सिटी को यूनेस्को में ऐड कर लिया गया है? चेन्नई. रानी की वाह द क्वींस स्टेपवेल विच इज इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ है? गुजरात में. विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? ये डांस है छाव. और ये कौन से स्टेट का डांस है? याद रखिएगा, ओडिशा का. क्लिंकर बोर्ड्स विच वर एडेड टू द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट बिलोंग टू विच रीजन? क्लिंकर बोर्ड्स कौन सी कंट्रीज से एसोसिएटेड हैं? नॉर्डिक कंट्रीज. ठीक है, विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया? सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ पे हैं यूनेस्को के अंदर? महाराष्ट्र से. वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द रैंक ऑफ कंट्री विद मोस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स? तो इंडिया इस मामले में है 6th प्लेस पे. ठीक है, तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के मामले में? फर्स्ट है इटली, सेकेंड है चाइना, फिर थर्ड है जर्मनी, इसके बाद स्पेन और फिर फ्रांस. ठीक है, विच इज़ द ओल्डेस्ट कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? ये है सांची स्टूपा और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द टुट्सी इन विच कंट्री इज ऑब्जर्व ऑन 7th ऑफ अप्रैल बाय द यूनाइटेड नेशंस? तो हर साल 7 अप्रैल को यूनेस्को कमेमोरेट करता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द टुट्सी इन रुवांडा. ठीक है, और ये एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2003 में. एक्चुअली यहाँ पे एक टुट्सी माइनॉरिटी है जिनकी मैसिव किलिंग्स हुई थी बाय द हुटू एक्सट्रीमिस्ट लेड गवर्नमेंट और ओवर 1 मिलियन टुट्सी मर्डर कर दिए गए थे विथ मॉडरेट हुटू एंड अदर्स हु अपोज्ड द मैसेकर. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे. वेन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? ये क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में कल के लेक्चर में किया था, तो अगर किसी को डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है कि थीम वगैरह क्या थी, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं. और करेक्ट आंसर है 10th of April. When is the International Day of Sport for Development and Peace observed? ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 6th April को. When is the International Day for Mine Awareness observed annually? आंसर है 4th April. On which day is the International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade observed? आंसर हो जाएगा 25th of March. On which day is the World Consumer Right Day observed across the world? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 15 मार्च को. और आपको कमेंट्स में लिखना है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की थीम क्या थी 2022 के लिए. ऑन विच डे इज द 46th सिविल अकाउंट्स डे ऑब्जर्व्ड? हाल ही में हमने ऑब्जर्व किया इस दिन को 2nd of March 2022 को. विच बैंक साइंड द पार्शियल गारंटी पैक्ट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट द सप्लाई चेन फिनेंसिंग? तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने कोलाबरेट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में फॉर अ पार्शियल गारंटी प्रोग्राम और इनिशियल आउटले कितना था? $150 मिलियन. ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये एम करेगा कि जो सप्लाई चेन फिनेंसिंग है उसको सपोर्ट करें हम इम्पैक्ट सेक्टर में. और इस एग्रीमेंट के तहत स्पेशल फोकस किस तरफ होगा? ESG, मतलब इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस की तरफ. ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको भी ये फोकस करेगा. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बैंक रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं. ओला जस्ट अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ द न्यू बैंक अवेल फिनेंस. वट इज़ द नेम ऑफ ओलाज CEO? सबसे पहले याद रखिएगा कि ओला ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो न्यू बैंक अवेल फिनेंस को एक्वायर करेंगे. और CEO कौन है ओला के? मिस्टर भवीश अग्रवाल. ठीक है,
एक्सेप्टिंग अ पिटिशन ऑफ क्रेडिटर्स हेडेड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स कॉरपोरेट बैंक्रप्टसी ऑफ विच कंपनी, ये है सुपरटेक बिल्डर्स. इन 2022-23 हाउ मच हैज द गवर्नमेंट सेट एज अ टारगेट फॉर द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टू ग्रांट द इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स. तो गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है फॉर 1 trillion रुपीज. एज पर द रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ RBI, कमर्शियल बैंक्स कैन ओपन द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन विच कैटेगरी ऑफ प्लेसेस. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं ऑन सेटिंग अप ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स. इन्होंने इसमें बताया कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके पास पहले डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस रह चुका है वो अब परमिटेड हैं कि वो ओपन कर सकते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इन द Tier 1-6 सेंटर्स. ठीक है, और जो बजट स्पीच थी हमारी 2022-23 की उसमें हमने देखा था कि अनाउंसमेंट हुआ था कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश किया जाएगा टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट में. और क्यों 75? क्योंकि इस साल हम कमेमोरेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. ठीक है, एज पर द डेटा फ्रॉम द RBI, विच बैंक रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स इन अप्रैल टू दिसंबर 2021. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिला हमें पंजाब नेशनल बैंक में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू बुक द मैवरिक इफेक्ट नैरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूशन. इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से NASSCOM को फॉर्म किया गया था. ठीक है, NASSCOM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज. ठीक है, और ये एपेक्स बॉडी होती है सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विस कंपनीज की. तो इस बुक को ऑथर किया है हरीश मेहता ने, जो कि को फाउंडर हैं और फर्स्ट इलेक्टेड चेयरपर्सन हैं NASSCOM के. और अभी प्रेजेंट में जो इंडिया की IT इंडस्ट्री है उसकी वैल्यू क्या है? $200 billion, और डायरेक्टली वो लगभग 4 million पीपल को एम्प्लॉय करती है. इस वजह से हमारी IT इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो भी कर रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक और ऑथर देखेंगे. हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश बुक मानस के अनमोल मोती? आंसर है वंदना मिश्रा. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1-2-3-2 kilometers द लॉन्ग जर्नी होम? इसको लिखा है विनोद कलारी ने. हु रिसेंटली पब्लिश द बुक रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट? इसको हाल ही में पब्लिश किया है हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने. ठीक है, What was the name of the RBI booklet on the strategies used by financial fraudsters? इसके लिए नाम दिया गया है बी कॉन्शियस, और इसको ऐसे लिखते हैं. ठीक है, सी ब्रैकेट में रहता है. Who are the authors of the book titled as The Little Book of Joy? इसको लिखा है दलाई लामा ने, किसके साथ में मिलके? डेस्मंड टूटू. ठीक है, बुक टाइटल्स एज एलिवेशन ऑफ लाइफ वॉज ऑथर्ड बाय? इसको लिखा है अनुराग आनंद ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफोन 303? तो हाल ही में चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. किस रॉकेट से? बाय लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट. ठीक है, और ये सैटेलाइट पार्ट रहेगा इनके लैंड सी रेडार सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का, और ये कैप्चर करेगा फाइन रेजोल्यूशन इमेजेस ताकि जो कंट्री की मैरिटाइम इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर किया जा सके. ठीक है, तो ये सैटेलाइट नेटवर्क करेगा विद गाओफेन 3 एंड गाओफेन 302 सैटेलाइट, जिससे कि ये फॉर्म करेंगे लैंड सी रेडार सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना. अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड करेंट अफेयर्स देखेंगे. विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट विद स्पेस एक्सेस फाल्कन 9 रॉकेट? ये है पिक्सेल. विच कंट्री हैज डेवलप्ड RKA मतलब रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर विच कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस? इसको डेवलप किया है चाइना ने. विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट NOR-2 इनटू द ऑर्बिट? तो NOR-2 किसका है? आंसर है ईरान. विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्टेड रिकनेंस सैटेलाइट सिस्टम? इसको टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने. विच कंट्री लॉन्च्ड द जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट दैट इज GOES-T सैटेलाइट? आंसर हो जाएगा USA. विच कंट्री लॉन्च्ड अ रॉकेट टू प्लेस रिकॉर्ड 22 सैटेलाइट्स इन स्पेस? तो 22 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया एक रॉकेट की हेल्प से स्पेस में, ये किसने किया है? चाइना ने. ठीक है, आपको बताना है कि आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है.
अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो आपको आते हैं विल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इंप्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीन्स दैट्स एन साइनिंग ऑफ।